बताए राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हार। राजा दशरथ उनकी तीन रानियां और चार पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज क्या आपको याद है आपने मुझे दो वचन दिए थे, आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मुकुट को देखा। रंग सुनहरा मुकुट अति सुंदर सीता सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण लक्ष्मण देखो प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है, आप चिंतित ना हो भैया, जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का दम लगाया और सीता माता को उठाकर ले गया। दिशां देही। हे मुनिवर, दीक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, साधु का इतना घर के द्वार से ही दीक्षा देकर भेजना चाहती हूँ, जाओ मनी चाहिए तुम्हारी दीक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए मैं आती हूँ। Ha ha ha!
लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित थे और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम लक्ष्मण का हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर और राम का रावण का युद्ध हुआ जिसमें श्री राम विजयी हुए। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।